बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इफ़त। आई एम द इंग्लिश टीचर ऑफ डैफ़ोडिल्स मोंटेसरी स्कूल फॉर ग्रेड 3। टुडे इज़ 7 जुलाई 2020 एंड डे इज़ ट्यूसडे। तो बच्चों, हमारा आज का जो लेसन है वो है नाउन। नाउन जो है वो दो किस्म के होते हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक और नाउन की कैटेगरी है, दैट इज़ कलेक्टिव नाउन। नाउन की डेफिनेशन तो आप सबको पता ही है, आपने क्लास में पहले पढ़ी है कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी आम जगह, आम शख्स या आम चीज़ का नाम जो है वो कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे लड़कियाँ, लड़के, घर, गली, सड़क, मुल्क, शहर, दरिया वगैरह एक्सेट्रा। इसी तरह फिर इसके बाद आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो है अ नाउन विच इज़ प्रॉपर, यानी किसी ख़ास जगह, ख़ास चीज़ या किसी ख़ास, हर आदमी का नाम जो है वो ख़ास है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ, तो इंग्लिश टीचर तो बहुत होंगे, लेकिन मैम इफ़त जो इंग्लिश टीचर हैं वो मैं ही हूँ खाली। जैसे मीनारे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में एक ही मीनारे पाकिस्तान है, पूरी दुनिया में एक ही लाहौर है, एक ही इस्लामाबाद है, एक ही अमेरिका है और एक ही कनाडा। हर मुल्क एक है। कहीं आपने सुना कि दो इंडिया हों या दो पाकिस्तान हों, तो जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा सिंगुलर होता है। उसके बाद हमारे पास तीसरी कैटेगरी आती है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? अ क्लास इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्टूडेंट्स। एक क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, बैठे होते हैं। उसके बाद है स्वार्म इज़ मेड अप ऑफ मैनी इंसेक्ट्स। स्वार्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंसेक्ट से मिलकर बनती है। अब उसके बाद फिर एक और एग्जांपल है, अ हर्ड इज़ मेड अप ऑफ मैनी एनिमल्स लाइक डोंकीज और डियर। हर्ड कहते हैं जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, जिसे जहाँ पे भैंसे रखी जाती हैं, बकरियाँ रखी जाती हैं, गाय रखी जाती है, ऊंट रखे जाते हैं, जानवरों का घर आप कह लें। तो एक हर्ड में एक से ज़्यादा जानवर होते हैं। जैसे अगर गाय का हर्ड है तो उसमें 1, 2, 3, 4 काफ़ी गाय आती हैं, लेकिन वो हर्ड्स नहीं होगा, काउ हर्ड होगा। तो हर जानवर का अलग हर्ड होता है, तो उसमें कलेक्टिव नाउन्स यानी एक हर्ड में 4-5 काउस हैं या जो भी आप कह लें शीप्स हैं, जो भी हैं। अच्छा, आई होप कि आपको आज का काम समझ आ गया होगा। अब आपने काम क्या करना है, आपने सबसे पहले कि अगर आपको कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई बात समझ ना आए, तो आप अपना प्रॉब्लम व्हाट्सएप करके मुझे सेंड करें ताकि मैं आपको उसका आंसर करूं। और होमवर्क आपका ये है, पिक आउट द नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पॉइंट आउट वेदर दे आर प्रॉपर और कॉमन। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपके पास ये क्वेश्चन है ए वाला, इसमें आपने बताना है कि जो नाउन अंडरलाइन किए हुए हैं वो प्रॉपर हैं या कॉमन। जैसे शाहजहाँ बिल्ट द ताज महल फॉर हिज वाइफ मुमताज़ महल। अब ये देखें, ये सब प्रॉपर नाउन है। कैसे? शाहजहाँ, पूरी दुनिया में एक ही शाहजहाँ था। किसी और का नाम तो शाहजहाँ हो सकता है, लेकिन वो बादशाह तो नहीं हो सकता। तो शाहजहाँ प्रॉपर नाउन। ताजमहल, ताजमहल पूरी दुनिया में एक ही है, इंडिया में, आगरा में, उसके अलावा और कोई ताजमहल नहीं। तो ताजमहल भी प्रॉपर नाउन, और मुमताज़ महल उस महल का नाम था। तो पूरी दुनिया में एक ही मुमताज़ महल है। तो ये तीनों जो वर्ड्स हैं ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह ये आपके पास 10 हैं, आपने इनमें से जो अंडरलाइन नाउन्स हैं, पहले वो अंडरलाइन नाउन्स लिखने हैं और उसके बाद उसके आगे आपने लिखना है कि वो प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है अगला वाला
कलेक्टिव नाउंस। कलेक्टिव नाउंस में आपने क्या करना है कि आपके पास ये नीचे भी कलेक्टिव नाउंस दिए हुए हैं, क्राउड, फ्लोक, बंच, फैमिली, टीम, आर्मी और ग्रुप। अब आर्मी लफ्ज़ तो एक बोला जाता है, लेकिन एक आर्मी के अंदर कितने हज़ारों लाखों लोग हैं। इसी तरह बंच, गुलदस्ता, तो उसके एक गुलदस्ते के अंदर कितने फूल होते हैं, लेकिन गुलदस्ता एक ही होता है। आपने इसमें क्या काम करना है, व्हाट यू मस्ट रिमेंबर इज दैट स्कूल और पॉड इज़ अ कलेक्टिव नाउन। अब एक स्कूल है आपका जैसे, तो नाम तो एक स्कूल है, लेकिन उसमें बच्चे कितने ज़्यादा पढ़ते हैं। तो अब आपने क्या करना है, हेयर आर सम मोर कलेक्टिव नाउन्स एंड द कॉमन नाउन्स दे आर यूजली यूज विद। ये आपके पास कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन है, आपने इनको देखना है, इनको याद नहीं मतलब इनको पढ़ना है और इनको समझना है। होमवर्क एक आपको मैंने पहले दिया प्रॉपर और कॉमन नाउन का, दूसरा है आपका बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन्स चूजन फ्रॉम द गिवन लिस्ट। ये आपके पास एक लिस्ट है, इसमें मुख्तलिफ नाउन लिखे हुए हैं, आपने इन नाउन्स के साथ इन ब्लैंक्स को फिल करना है और मुझे वो काम आपने व्हाट्सएप करके भेजना है विद इन 2 डेज, ताकि मैं उसको चेक करके वापस कर सकूं। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके बताएं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। ओके, ठीक है बच्चों, आज की क्लास का वो ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।